बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, बड़ा नाम है पूरे भारत में, क्योंकि धम्म का जितना साहित्य और जितना लिटरेचर और महापुरुषों के जितने पोस्टर पूरे भारत में चलते हैं वो उनके सम्यक प्रकाशन से ही प्रकाशित होते हैं। बच्चे बच्चे को घर घर में जहाँ भी कैसा भी, चाहे वो बहुजन का कोई भी हिस्सा है, एससी एसटी या ओबीसी या ट्राइब है, जो भी है, सारी किताब और सारा जितना भी साहित्य और फोटो है वहीं मिलता है। ये सुविधा पूरे भारत में खासतौर से नॉर्थ में सब लोगों को प्राप्त होती है। बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है, हर किताब के पीछे उनका फोटो और उनका नाम है। कल यानी 6 तारीख को मैं जब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था लगभग 3:30 पे, तो मेरे मोबाइल साइलेंट पर रहते हैं, मगर एक मोबाइल बार बार बच रहा था, तो मैंने वीडियो खत्म करके उस मोबाइल को उठाया, देखा व्हाट्सएप पे कॉल थी, एक अननोन पर्सन की थी। उन्होंने मुझसे कहा, आवाज थोड़ी कम आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा बात करते करते, क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो में था और मैं उनको जानता भी नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली में शांति स्वरूप जी के साथ कुछ हुआ है, क्या वो अभी नहीं रहे हैं। तो सुबह मेरे पास खबर आई थी कि शाहदरी में जो भारतीय बौद्ध महासभा के पुराने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं रामपाल गौतम जी, वो एक्सपायर हुए हैं कोरोना से। और मैंने कहा कि नहीं, रामपाल गौतम जी की खबर आई है, वो कोरोना से एक्सपायर हुए हैं। और मैंने वो फ़ोन रखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वीडियो की शूटिंग करने में था, और वो फ़ोन मैंने बंद किया, और फ़ोन बंद करने के बाद मैं अपने काम में लग गया। फिर घंटियां बाद में भी लगातार बजती रहीं, तो मुझे लगा कि साइलेंट पे वो दोबारा फ़ोन कर रहे हैं, मगर मेरा माथा थोड़ा सा ठनका कि अगर कोई व्यक्ति शांति जी का नाम ले रहा है तो कन्फ्यूजन रहा होगा, क्योंकि डेथ की खबर ना बिना कन्फर्मेशन के कोई उड़ाता नहीं है, कोई कहता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि मैं विपसना करता हूँ और अनिच्यवत संखारा को समझता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सारे संखारे अनिच्य हैं, अनित्य हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं भी हूँ, या मेरी वीडियो है, या मेरा कैमरा है, या मेरा जीवन है, या मेरा परिवार है, या ये दुनिया है, या ये घर है जिसमें ये मैं बना रहा हूँ, या स्टूडियो है, सब ये अनिच्य हैं। अनिच्यवत संखारा यानी सारे जो संखारे हैं, एक्ट फॉर्मेशन है, वो अनित्य हैं, कुछ नहीं बचता। तो काम जरूरी है, काम करना है, और मेरा चूंकि स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी तो मैं शूटिंग में अपना व्यस्त हो गया। मन में कहीं रहा कि शायद कुछ हुआ है, थोड़ा सा एक सेकंड को एक पल में ऐसा लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैंने देखा विपसना करने वाला अपने मन से अपनी बॉडी पे प्रभाव को देख लेता है, तो मैंने उस प्रभाव को देखा, वो प्रभाव आया शरीर पे जैसे डेथ हुई है, और उसके बाद वो चला गया, क्योंकि मैं अपने काम में लग गया, काम जरूरी होता है। मैंने वीडियो वगैरह बनाई, और वीडियो बनाने के बाद में मैंने देखा तो बहुत सारे फ़ोन आए हुए थे, क्योंकि अधिकतर लोग फ़ोन करके पूछते हैं दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लगभग बाहर के कॉल थे, कुछ दिल्ली के भी थे, तो मैं समझ गया कि शायद शांति जी के साथ में कुछ हुआ है। फिर एक कॉल मेरे पास तभी आई, तो उन्होंने बताया कि शांति जी ऐसे ऐसे कोरोना से एक्सपायर हो गए, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका 5 बजे निगमबोध घाट पर क्रेमिनेशन है, और क्रेमिनेशन डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी है नहीं, क्योंकि कोरोना के पेशेंट की जो बॉडी है उसको सरकार नहीं देती है, वो वहीं से पैक करके, एयरटाइट पैक करके एम्बुलेंस में सीधे ही जो क्रेमिनेशन ग्राउंड है, जो सुसान है या शमशान है या जहाँ वो बॉडी का दहन करना है वहाँ पहुँचती है, और 20 लोग ही अलाउ हैं, 20 लोग, बल्कि कोरोना के केस में 5 लोग अलाउ हैं, 5 लोग जा सकते हैं, और नॉर्मल केस में 20 लोग जा सकते हैं। वहाँ फोटोज बाद में आई, मैं जा नहीं पाया क्योंकि लेट हो गया था, और वहाँ फोटोज बाद में आई तो देखा कि उनका जो अंतिम संस्कार है वहाँ भिक्कुनी पहुँच गई, जो पूर्णिमा भिक्कुनी है वो वहाँ पहुँच गई, और उन्होंने वहाँ त्रिशरण पंची कराया और एक धमकी फॉर्मेलिटी करके उनको CNG के जो चैम्बर है उसमें उनको आखिरी शरीर को ख़त्म उनका किया गया, और उनकी जो अट्ठियाँ हैं यानी अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वहाँ से लाकर जो समता बुद्ध बिहार है उसके ऊपर के हिस्से में रख दी गई हैं। जब कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ से निकाल के जैसा भी होगा, चाहे कोई स्तूप बने, चाहे कोई आगे वो निर्जन रिवर में जाए, जैसा उनका परिवार चाहेगा, जैसे उनके मित्र चाहेंगे, मैं भी उनका मित्र हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उनकी जो मेमोरी है वो याद आई, क्योंकि उनका घर और मेरा घर दोनों पास पास है। यहाँ मेरे घर से और उनके घर के जो बीच में डिस्टेंस है वो मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर का है, मैं 5-7 मिनट में स्कूटर से या कार से पहुँच जाता हूँ, और मेरा उनसे जो पहचान जान है वो 25 साल से भी ज़्यादा से है, 25 साल से ज़्यादा से हम साथ साथ हैं। धम का कोई भी काम हो,
वैचारिक उनके मेरे मतभेद में हम आपस में, क्योंकि वो किताब पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, किसी सब पे हम उलझ जाते हैं, किसी पे हम बात करते हैं, वो हमारा चलता रहता है। मगर धम्म चले ये दोनों की इच्छा रहती है, और मेरा मतभेद कई बार उनसे इस बात पे रहता है कि वो इतने सक्षम है, चाहे तो दिल्ली के सारे बौद्धों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये काम उनको करना चाहिए, और इस काम की उन्होंने हामी नहीं भरी। इस बात के लिए मैं हमेशा उनसे नाराज भी रहता था कि आप ये कर सकते हैं, बल्कि उल्टे वो मुझसे कहते थे कि आप में ये क्षमता है, आप चाहें तो पूरे देश के बौद्धों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं कहता था कि आप में क्षमता है, आप इतना जानकार हैं, पूरे भारत आपको जानता है, दुनिया आपको जानती है, आपको करना चाहिए, आप करते क्यों नहीं है, इस बात में रहता था। मैं किताबें उनसे अक्सर लेता था, और वो मुझे किताबें सबसे कम कीमत पर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं रिसर्च करता हूँ, हालांकि मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर उनका प्यार, उनका स्नेह था कि वो किताबें, उनके यहाँ से जितनी किताबें मुझे लेनी हो वो स्पेशल रेट पर मुझे मिलती थी, और इसके अलावा अगर मैं किसी को रिकमेंड भी करूँ तो उसको भी स्पेशल रेट पर मिलती थी, वो अपना मुनाफा नहीं लेते थे। और यहाँ तक कि अगर कभी कोई हम कार्यक्रम करते थे तो उनका कोई भी पोस्टर या कोई भी बैनर जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, वो पोस्टर वो मुझे दे देते थे, इतना यकीन करते थे कि मैं कॉपीराइट एक्ट समझता हूँ और उनका पोस्टर किसी और को दूंगा भी नहीं, और मैं देता भी नहीं था, क्योंकि हमने उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बहुत उनसे पोस्टर लिए। 2006 के अंदर जब बाबा साहब का जयंती का 50वां गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुआ, तो हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम किया था दिल्ली में, वो उस समय भारतीय बौद्ध महासभा में थे, मगर यहाँ के लोग उस कार्यक्रम को करने के लिए अक्षम थे, तो हमने एक टीम बनाई और टीम बना के वो कार्यक्रम किया, दिल्ली का नॉर्थ का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें रहे, जो श्याम तागड़े जी हैं आईएएस हैं वो रहे, जो डॉक्टर अवतार सिंह हैं उनकी लीडरशिप में हुआ, जो राजशेखर वेंड्रू हैं वो उसमें रहे, जो शांतिशोर बौद्ध जी हैं वो रहे, मैं रहे, जो सपन कुमार विश्वास जी हैं वो रहे, और इसके अलावा बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, और आपके जो इस समय पार्टी चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विजय मानकर, वो भी उसका हिस्सा थे, और भी लोग थे, बहुत गणमान्य थे, और दिल्ली के सभी लोग आए। वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा, अब तक का रहा, वो इवेंट वाला कार्यक्रम था, उसी के लिए बनाया था, और वो कार्यक्रम सफल रहा। उसमें भी हमने उनकी सेवाएं ली, हालांकि संगठन ने उनको पूरा पैसा दिया, तो उसमें जो जितने भी होर्डिंग्स लगे या जितने भी फ्लैग्स लगे वो सब उनकी ही जो उनकी कला थी और जो उनका कलेक्शन था उसी से बन के आए, और उन्होंने वो लगवाए थे सारा काम, उनसे वो हमने करवाया था। तो कला के क्षेत्र में और जो उन्होंने साहित्य क्षेत्र है उसका कोई जवाब, उसका कोई सानी नहीं है। अक्सर जब मैं उनके घर जाया करता था तो घर में हम बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी चर्चा करते थे, और चर्चा करते हुए वो मुझे अक्सर सड़क पर छोड़ने आते थे, लगभग अमूमन सड़क पर छोड़ने आते थे, टहलते टहलते मेरे साथ, बातें खत्म नहीं होती थी हमारी, गाड़ी सड़क पर रहती थी, तो वो पैदल का रास्ता होता था, और वो पैदल का रास्ता 3 मिनट का रास्ता हम लगभग 15-20 मिनट में तय करते थे। तो मैं आखिर में गाड़ी में बैठते बैठते उनसे एक बात जरूर कहता था कि आप बहुत कीमती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो वो कहते थे भाई जी मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर, वैसे मैं ठीक करता हूँ, अब मैंने यात्राएं बंद करती हैं, मगर मुझे जाना पड़ता है, बहुत सारी कॉल आती हैं और ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, तो मैं फिर भी ध्यान रखता हूँ। तो उन्होंने खाना भी बहुत खिचड़ी का कर दिया था, और खिचड़ी ज़्यादा खा रहे थे, खिचड़ी ज़्यादा खाने से शायद उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और वो पेट की उनको शिकायत रहती थी, तो वो दवाइयाँ उनकी चलती रहती थी। परिवार उनका बड़ा रहा है, उनके 5 लड़के और 1 उनकी लड़की सभी शादीशुदा हैं, और उनकी जो पत्नी है वो और परिवार है वो सब रहते हैं, एक उनकी सिस्टर बची हैं जो लगभग 90 साल की है। पुराने वो फराज खाने में रहते थे, फराज खाना दिल्ली का है, और शुरू में उनको अदाकारी का, चित्रकारी का बड़ा शौक था, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर सर्विस भी की है 20 साल तक, उनको पेंशन भी आती थी, उनका सर्विस में मन लगा नहीं तो उसको छोड़ छाड़ के वो आगे, तो चित्रकला वो बहुत अच्छी करते थे, चित्र बहुत बढ़िया बनाते थे, और उनके चित्र विदेश जाया करते थे, उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड था वो बाहर से था, यानी वो डॉलर कमाया करते थे। यहाँ से वो जो वाटर पेंटिंग है, वाटर कलर पेंटिंग है, उसको बनाते थे सिल्क पर, और उसको सिल्क पे बना के उसको बाहर उसको एक्सपोर्ट करते थे, उसका पैसा उनको आता था। ये काम उन्होंने बहुत बाद तक भी किया, इसलिए चित्रकला में उनका कोई जवाब था नहीं, पूरी टीम उनके पास ही, बहुत सारे चित्रकार उन्होंने पैदा किए हैं। फिर भारतीय बौद्ध महासभा में उन्होंने पहला जो पोस्टर बाबा साहब का और बुद्ध का बनाया था वो बड़ा ही फेमस रहा, तो उधर भारतीय बौद्ध महासभा को एक किताब निकालनी थी जो बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें किताब धम्म दर्पण करके निकालनी थी। उस किताब को निकालने के लिए ये हुआ कि चित्र तो वो बनाते ही थे तो उसमें चित्र डालना होता था, तो वो टीम ने ये कहा कि शांत स्वरूप आप ही इसको एडिट करो, आप इसको देखो कैसे होगी। वो पहली किताब थी जो उन्होंने एडिट की और बनाई, उसके बाद जो किताबों का सिलसिला चला तो वो 1200-1300 किताब अब तक वो निकाल चुके हैं, यानी कि 1200-1300 टाइटल उनके हैं
नॉर्थ भारत में और साउथ का भी जो भारत है पूरे भारत में इतना बड़ा टाइटल यानी 1200-1300 किताब छापने का काम अभी तक किसी ने बहुजन समाज में किया नहीं है। अक्सर जब हम बातें करते करते आते थे तो मैं उनसे दो बातें अक्सर कहता था कि आपके बाद इस सल्तनत को संभालेगा कौन, क्योंकि आपने इतना बड़ा हाउस बना दिया है पब्लिकेशन हाउस, तो इसे संभालेगा कौन। दूसरा यह है कि हमें 1000 हाउस की आवश्यकता है, क्योंकि 1000 हाउस हमारे पास होने चाहिए पब्लिकेशन हाउस, जहां से हम निकाल सकें। कुछ लोग हैं ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो कला है कि आप बिजनेस भी संभाल सकते हैं, सामाजिक परिस्थिति भी संभाल सकते हैं, आप धार्मिक स्थिति भी संभाल सकते हैं और आप कहीं विद्रोह भी कर सकते हैं अगर करना है। ये सब में नहीं होती, हालांकि इसकी बड़ी दिक्कत भी उन्हें महसूस होती थी, क्योंकि कुछ अनजान लोग जो आते थे वो ऐसा उम्मीद करते थे कि शांति स्वरूप बौद्ध चूंकि सामाजिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, इसलिए उनका काम फ्री में कर दें या उनके काम से कोई मुनाफा ना लें। पर उनके यहाँ स्टाफ होता था जो 5-7 लोगों का हर समय स्टाफ चलता था, टाइपिंग का, प्रिंटिंग का, या जो वहाँ एडिटिंग करते थे उसका, और वो सारा पैसे पे चलता था, बिजली पानी कंप्यूटर का खर्चा लगे और वो बैठ के वहाँ कराया करते थे। तो अगर घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या, अगर वो मिशनरी होते हुए सारा काम अगर वो मिशन में कर देंगे तो फिर तो वो किताब एक भी नहीं छाप पाएंगे। तो उनके परिवार ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि परिवार उनका इतना ज़्यादा लगा रहता है कि पूरे दिन वो किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, छपाते रहते हैं, कोई शांति से बैठता नहीं। ये उस परिवार की खास बात रही, बड़ी मेहनत की उसने, जन जागरण में उनका कहीं कोई सानी नहीं है। मेरे पारिवारिक मित्र थे, कई मेरी पारिवारिक समस्याओं में मेरे साथ गए हैं, हमारे परिवार में जब भी कोई फंक्शन हुआ है उसमें वो आए हैं, परिवार से पूरा परिचय हमारा रहता था। और धम्मों को बढ़ाने में जितनी उनकी लालसा थी, जितनी हमारे परिवार की लालसा है या और भी परिवारों की है, वो सारे परिवार धम्मिक लगभग एक ही सुर में एक ही बात किया करते थे। वैचारिक बात अलग होती है, मगर धम्म को जब सामने बढ़ाना हो तब सब एक मुट्ठी बंद होकर काम किया करते थे। इसलिए कोई भी उनका धम्म का कार्यक्रम जब भी वो लगता था, अक्सर वो मेरे को कहा करते थे कि मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ, चूंकि मैं मंचों पर नहीं जाता और मंच पर बैठने में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ टांग पे टांग रखे और बैठ जाओ सोफे पे और सामने के लोगों को देखते रहो, मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, मुझे अजीब सा लगता है खाली बैठना, और खास तौर से एक छोटा सा भाषण देना है और उसके बाद 4 घंटे वहाँ ड्यूटी बजानी है, वो तो मुझे और भी ज़्यादा बेकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोकर बना के बैठा दिया हो और बैठे रहो वहाँ, लाइटें पड़ी हुई हैं, फोटो खिंचाते रहो, बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है मुझे, तो मैं उससे बचता हूँ। मगर मैं कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए जरूर सारे कार्यक्रम में जाता था और देखता रहता था। बाद में चर्चा होती थी तो वो कहते थे आप नहीं आए, मैंने कहा मैंने सब देखा, आपने ये कहा, वो किया, ये किया, वो किया, अरे आप स्टेज पे क्यों नहीं आए, आपको तो मंच पे आना चाहिए था। मैंने कहा मैं पीछे से तो कोई होना चाहिए जो ये देखे कि कार्यक्रम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मुझे उसी में आनंद आता है। और मैं क्लास में भी बैक बेंचर ही रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ पूरी क्लास क्या कर रही है क्या नहीं है, ये मेरी रुचि है या मुझे अच्छा लगता है बचपन से ही, तो मैं बैक बेंचर ही रहा। क्लास की एक्टिविटी, मास्टर की एक्टिविटी देखने में मुझे बड़ा मजा आता है, साइकोलॉजी रीड करने में, भगवान बुद्ध तो साइकोलॉजी के मास्टर थे, थोड़ी बहुत हमें भी आती है तो देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो बोले ठीक है ठीक है, अच्छा बताइए क्या समीक्षा रही, तो हम समीक्षा पर चर्चा करते रहते थे। बड़े प्लान उनके थे, बहुत सारी बातें उनके मन में थी जो उन्होंने बताई। एक बात तो उनके मन में ये थी कि जो अम्बेडकर भवन दिल्ली वाला है वो मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ लोगों का एक तरह से कब्जा हो गया है और वहां से क्रांति रुकी पड़ी है, दिल्ली का काम रुका पड़ा है, वो बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है, वहां एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बन सकता है, एजुकेशन सेंटर बन सकता है और वो पब्लिक रिलेशन का बहुत बड़ा ऑफिस बन सकता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वो सेंटर में है और बाबा साहब ने इसीलिए उस जमीन को खरीदा था कि यहाँ पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर बनेगा जिससे लोग आएंगे जाएंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, धर्म का आदान प्रदान होगा और यहाँ जो लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे होगा आप बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे आ रहे हैं, ये सब सेना बना रहे हैं, ये भीम के बच्चे आ रहे हैं, भीम की सेना आ रही है, ये सब वो जो लोग निकम्मे लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर भवन पर क्रांति को रोक दिया है उनको भगा देंगे, क्योंकि अम्बेडकर भवन उनका नहीं है, अम्बेडकर भवन तो बाबा साहब का है और बाबा साहब की सेना इसको अपने हाथ में ले लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, अम्बेडकर भवन मुक्त हो जाए और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। ये इच्छा बहुत अंदर तक उनके अंदर दबी रही। बाद में जो उनकी कार्यकारिणी है उनसे मेरी बातचीत हुई, सभी इस बात के लिए परेशान रहते थे कि अम्बेडकर भवन मुक्त होना चाहिए। उनके जो अनुयायी हैं वो इस बात के लिए सोचेंगे कि शायद अम्बेडकर भवन अगर मुक्त हो जाए तो उनको कहीं जो मन है उसको कहीं अच्छा लगे, हमको खुद को अच्छा लगेगा कि भाई उनकी अंतिम इच्छा को हमने पूरा किया। और अच्छा तो ये हो कि अम्बेडकर भवन पर जो लोग क्रांति को रोके पड़े हैं, जो वहाँ पर कुछ बने नहीं दे रहे हैं, ना कोई सेंटर, ना एजुकेशन सेंटर, ना कोई वहाँ पे आदान प्रदान का, ना ही कोई पढ़ाई का, ना ही कोई मीटिंग का, उनको खुद ही हट जाना चाहिए इस शर्म के साथ में कि जितना लूट सकते थे अम्बेडकर को भवन को लूट लिया, अब उसको लूटना बंद कर देना चाहिए। बाबा साहब का सपना पूरा होना चाहिए, बाबा साहब की प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए,
बाबा साहब की प्रॉपर्टी पर समाज का कब्जा होना चाहिए, कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। और मेरी इच्छा थी कि पब्लिकेशन हाउस बहुत बड़े होने चाहिए। तो वो कहते थे कि हमारे समाज में समझ बड़ी कम है, लोग बहुत हैं, ऐसे पब्लिकेशन हाउस 1000 होने चाहिए, मगर कंपटीशन में लोग आते नहीं हैं। आएंगे तो वो मेरे को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, वो ऐसा सोचते नहीं कि अरे भाई अगर शांति स्वरूप बौद्ध एक किताब से पब्लिकेशन हाउस को बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो। इसमें बड़ा फायदा है, किताब बेचने में बड़ा फायदा है, सामान बेचने में है। 100 दुकानें होंगी तो ज्यादा बिजनेस चलेगा, 1000 दुकानें होंगी पूरी दुनिया में तो ज्यादा बिजनेस चलेगा। 85% का इतना बड़ा साहित्य है, 85% लोगों की इतनी बड़ी जागृति है, 85% लोगों को कितनी किताबें चाहिए, करोड़ों किताब चाहिए, करोड़ों किताब चाहिए। एक किताब पे अगर 50 रुपये बचाओगे तो कितना कमा सकते हो। ये बात वो मुझसे कहते थे और मैं समझता भी था। और मैं समझता हूँ कि जो लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कृतज्ञता देना चाहते हैं, कृतज्ञता देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उनमें अपना विश्वास रखते हैं, उनकी बात से थोड़े आहत हैं, दुखी हैं, तो उनके इन दोनों सपनों को पूरा करें कि आप अपना पब्लिकेशन हाउस बढ़ाएं, किताबों की रेंज बढ़ाएं, या तो किताब बेचना शुरू करें या छापें या बढ़ाएं, जैसे भी करें, और एक अम्बेडकर भवन को छुड़वाएं, या अम्बेडकर भवन के वो जो लोग हैं वो उनको श्रद्धांजलि देते हुए अब इसको छोड़ दें और यहाँ नवयुवकों को और नवयुवाओं को आने दें, ये लोग आके संभाल लेंगे तो यहाँ कुछ भला हो जाएगा। समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। मैं बहुत धम्म के अनुसार, धम्म की शिक्षा के अनुसार, क्योंकि धम्म में रोने की, धम्म में कुछ निगेटिव कहने की पूरी तरह से मनाही है, अनिच्छवत संखारा होता है, मगर धम्म का काम रुकना नहीं चाहिए और धम्म का काम चलना चाहिए। मैं उनको कृतज्ञता, उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक गुरु रहे हैं, मैंने बड़ा उनसे सीखा है। हालांकि वो 71-72 साल के और मैं अभी 50 साल का, तो लगभग 20 साल का मैं छोटा हूँ, मगर उनकी जो प्रतिभा है वो मैंने देखी है और वो मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करते थे और वो ये कहते थे कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा धम्म का काम करेंगे और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप सब लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जबकि मैं ये कहता था कि आपको शुरुआत करनी चाहिए, हम तो आपके साथ हैं। तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली के लोगों से खासतौर से, कि धम्म को एक हो जाएं, धम्म में सब एक हो जाएं, एक संस्था बनाएं, और ऐसे महान लोग और भी महान लोग हैं, उन सबको जो आपकी कृतज्ञता है, जो आपकी ट्रिब्यूट है, जो आपकी श्रद्धांजलि है, जो आपका ऑनर है, वो तभी सच्चा माना जाएगा जब आप अलग अलग धम्मिक ना होके एक साथ धम्मिक होंगे, एक साथ धम्म का काम करेंगे, क्योंकि अनिच्छवत संखारा है, जाना सभी को है। अगर आप एक साथ सब रहेंगे तो लोगों की ताकत बनेगी, फिर आपका मान सम्मान प्यार एक साथ बहुत रहेगा, समाज उन्नति करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हो रहा है साथियों।
कल्याणकारी धर्म का अविष्कार जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था अमिताभ, यानी के आ उसने संसार के अंधकार को मिटाने का काम किया। मगर साथियों, उन्होंने जो संदेश दिया था और अपने जीवन के अंतिम वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया, सब कुछ भस्म सात हो गया। मगर साथियों, 2000 साल तक हम इंतजार देख रहे, मगर इस देश में फिर एक और आया। उससे पहले एक बात बता दूं कि बौद्ध धर्म के कल्याण की दृष्टि से अंग्रेज इस देश बहुत देर से आए। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.